रानी और कृष्ण जी हैं वहां बैठे। कृष्ण का वीडियो बोलो राधे राधे। तो दोस्तों मैं खड़ी हूँ प्रेम मंदिर में एंड आप मेरे पीछे से देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 से 12 बजे तक है और रात को 4 बजे, शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। तो इतना सुंदर नज़ारा आपको अगर देखना है तो प्लीज़ टाइम पे आए, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये प्रेम मंदिर का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये पीछे आप देख सकते हो कि राधा रानी और कृष्ण जी हैं वहाँ बैठे। कृष्ण जी ने राधा रानी की जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है। तो बहुत ही प्यारी अनुभूति है इस मंदिर की। पूरे मंदिर में इतनी शांति फील हो रही है कि एक्सप्रेसिव नहीं है वर्ड्स में। इतना सुंदर एनवायरनमेंट, इतनी शांति, इतना प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर, अद्भुत और अलौकिक जो कह सकते हैं, जो भी वर्ड्स इनके लिए बोला जाए वो बहुत ही कम। इतना सुंदर बना हुआ है मंदिर, पूरे व्हाइट कलर के मार्बल से मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा, अनोखा, अद्भुत, जो भी वर्ड्स हम कहेंगे सो भी कम है इसके लिए। तो बहुत ही सुंदर है, आप यहाँ पे जरूर आए। प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, अगर आप जल्दी ले लो जो फोटो लेना है, दिल्ली में रहते हो एंड ये जो वॉचमैन है, सिक्योरिटी वगैरह जो भी आपको लेना है जल्दी ले लो, बिकॉज 12 बजे की टाइमिंग होती है और ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर धूप आ रही है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ कृष्ण जी की जो पूरी जीवनी है उनके बारे में यहाँ पे इमेजेज में, मूर्ति में बताया हुआ है। हर तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे है। तो बहुत ही कुछ देखने को, सीखने को, समझने को, जो भी हमने मूवीज़ में, सीरियल्स में देखे हैं वो सारा यहाँ पे वर्णन डिस्क्राइब किया गया है। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है, सुंदर, अद्भुत, लाइक नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, आई एम टेलिंग दिस थिंग्स इंटरप्रेटेड मोड। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती अपनी फीलिंग। एंड शाम को मैं आई थी तो मेरा अंदर मिस हो गया था बिकॉज एंट्री बंद हो गई थी, बट अभी मेरी एंट्री हो गई थी तो मैंने ये पल इंजॉय किया। बट अगर आपको लाइट शो भी इंजॉय करना है तो आप प्लीज़ 8:30 से पहले आए, 7:30 को टाइम है और टाइमिंग एग्जैक्ट मैं आपको बता दूँगी। तो ये सब लोग जो है फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है ये नज़ारा। बोलो राधे राधे। तो ऐसा ही है कुछ हमारा प्रेम मंदिर का नज़ारा, जो मैंने पिछले जो पीछे भागों में मैंने आपको बताया है। इतना सुंदर, इतना अद्भुत है ये प्रेम मंदिर और पूरे 150 करोड़ की लागत से 54 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ और इतना भव्य, इतना सुंदर, 1000 लगभग कारीगर लगे इनको बनाने में। एंड ये जो मंदिर है, ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये जिसके जिनके जो मन में इस तरह की छवि थी मंदिर की, वो है जगत कृपालु जी महाराज, और उनके ही निरीक्षण में, उनके ही द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इतना सुंदर प्रेम मंदिर, मतलब नाम में ही प्रेम है एंड इतनी अच्छी फीलिंग है इस मंदिर के अंदर कि जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो मैं गई थी हस्बैंड के साथ एंड हमारे भैया भाभी एंड उनका लड़का संदीपन हमारे साथ आया था, तो वो सब भी इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इतना सुंदर, इतना प्यारा मंदिर कि मतलब कोई भी इंसान इसको मिस ना कर सके, मतलब लाइफ में मिस ना करे, इतना सुंदर है। पूरी वाइट मार्बल से बना हुआ है ये मंदिर। ये मेरी भाभी है जो हम सब मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे थे। टाइमिंग वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, मैं एक बार फिर से बता दी कि सुबह 8:30 से 12:30 तक ही मंदिर की टाइमिंग है, तो प्लीज़ आप टाइम से पहुँच जाए। एंड शाम को 4:30 से 8:30 लगभग 8:00 से मंदिर बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप प्लीज़ टाइम से पहुँचे। अगर आपको इतना प्यारा नज़ारा जो दिल को छू देने वाला है अनुभव करना है तो ज़रूर आप जाए। तो इस तरीके से मंदिर के अंदर जब आप पहुँचते हैं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कृपालु जी ने मंदिर का जो उद्घाटन किया था 2012 में, मंदिर भक्तों के लिए जो खुला था, तो वो ये यहाँ पे सारे लगे हुए। एंड जो मंदिर का नाम प्रेम मंदिर क्यों है, क्योंकि भगवान मतलब जो है वो भक्त से बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो उसी प्यार
प्रेम के ऊपर ही ये प्रेम मंदिर इसका नाम रखा गया है। एंड चारों तरफ मंदिर में इतना बड़ा है, चारों तरफ आपको कृष्ण भगवान की झांकियां दिखेंगी। मतलब आई डोंट थिंक मैंने एक वीडियो इंटरनेट पे इतना ऐसा वीडियो देखा जहाँ प्रेम मंदिर का पूरा डिटेल दिखाया गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गई थी, और मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर बनाया हुआ है ये प्रेम मंदिर। ये कृष्ण भगवान जो सुदामा जी और अपने बाकी दोस्तों के साथ जब गाय चराने जाते हैं, या पहाड़ों पे बैठ के जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं वन में, इतना सुंदर है। हर एक जो स्ट्रक्चर, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, हर एक झांकी को इतना प्यारा बनाया हुआ है। मतलब कारीगर ने या जिन्होंने बनाया है उन्होंने पूरी वो जो इमेजिनेशन है कि उस टाइम में वो जब होते तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, उनका हर एक एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने वो मूर्ति बनाई है, मेरी कल्पना से परे है। इतना सुंदर ये मंदिर, इतना प्यारा नज़ारा, कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, राधा जी के रास कर रहे हैं, वो मोर, वो जो बर्ड्स हैं, वो फ्लावर्स, एक एक डिटेलिंग इतनी प्यारी है। कृष्ण भगवान जैसे आप रियल में इमेजिन कर सकते हो कि आप उस दौर, मतलब उस दौर में हो, वो टाइम को अपने आँखों से आप देख रहे हो। इतना सुंदर है प्रेम मंदिर। भगवान की जीवन की हर घटना को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इतना सुंदर है ये नज़ारा, मन को छूने वाला है। तो गाइज, मूर्तियों के साथ साथ जो मंदिर का हाईलाइट वाला पार्ट है वो शाम का लाइटिंग शो, तो वो आप कभी मिस मत करना। प्लीज़ आप लाइटिंग शो जरूर टाइम से जाना, वो मंदिर का बेस्ट पार्ट है, सबसे बहुत खूबसूरत लगता है, तो ज़रूर आप वो भी जाना। उसकी टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो आप मिस मत करना। वो मंदिर का वो उसको देख के तो एक अलग ही आनंद आएगा, तो प्लीज़ वो आप मिस मत करना एंड वो देखने ज़रूर जाना। प्लीज़ प्लीज़, हमारा मिस हो गया था, शाम को ही होता है, इसीलिए आप वो मिस मत करना। तो गाइज़, मैं अभी हूँ प्रेम मंदिर के मंदिर परिसर में, और मैं यहाँ पे प्रेम मंदिर देख रही हूँ, घूम रही हूँ। इतना सुंदर, इतना प्यारा नज़ारा है, आप देख पाओगे मेरे पीछे गोवर्धन पर्वत है, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं। और इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ, इतनी प्यारी प्यारी प्रतिमा है प्रेम मंदिर उस मेरे अपोजिट साइड में, आप देख सकते हो, ये है पूरा प्रेम मंदिर। और इतना सुंदर, इतनी प्यारी अनुभूति है कि जिसका मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ, कि इतना सुंदर और इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुकून और बहुत ही आई डोंट नो, इतना ज़्यादा जॉयफुल है यहाँ पे आना, और बहुत ज़्यादा ही मन को भा रहा है। तो आप भी ज़रूर प्रेम मंदिर आए, और अपने जरिए मैं आपको पूरा प्रेम मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये वाली झांकी मैंने आपको देखी है, कृष्ण भगवान और राधा जी वहाँ बैठे हुए, अलग अलग झांकियाँ हैं, कहीं गैया चढ़ा रहे हैं, कहीं जो नागपाल जो नाग था, कालिया नाग, उसके ऊपर कृष्ण भगवान ने किया था वो वाला, एंड ये गोवर्धन पर्वत, ओ माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है कि सच में मैं देख रही हूँ कृष्ण भगवान ने, जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उन्होंने इतना प्यारा बनाया है। मतलब ये बहुत प्यारा, क्या क्या बनाया है यार प्रेम मंदिर को, मतलब इसको तो वन ऑफ द 8 वंडर में लेके आना चाहिए। ये इतना सुंदर है, मतलब इतनी सुंदर कारीगरी, जो जो इमेजिनेशन को उन्होंने रियल में लाके खड़ा कर दिया है, इस तरीके का कुछ है। मतलब मैं, भाभी, हम सब जो भी गए थे, हमारा दिल इतना खुश हो गया देख के कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं रियल में सब कुछ देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं रियल में सब कुछ देख रही हूँ यार। मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई थी एंड मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कहीं क्या कहाँ आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे कृष्ण भगवान के प्रेम में रंग गई ऐसा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं और मेरी भाभी यहाँ पे हैं, और हम दोनों गोवर्धन पर्वत का दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। भाभी, आपको कैसा लग रहा है गोवर्धन पर्वत? बहुत अच्छा लग रहा है ना, यहाँ यहाँ आके मन को बहुत शांति मिल रही है ना। हाँ, भाभी कह रही कि यहाँ आए और जरूर आए, बिकॉज इतना मन को शांति मिल रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना भाभी, बहुत ही बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाभी ने भी वीडियो में यही बोला कि आइए, बिकॉज उनकी भी यही राय थी कि यार ये तो मतलब इमेजिनेशन से परे है। आप देख रहे हो, ये पूरा प्रेम मंदिर का जो फ्रंट डोर है, जहाँ से मंदिर के एंटर हम अंदर जाते हैं, ये वो वाला पोर्शन है, और इतना बड़ा इसका जो आंगन है वो बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे ये जो मेन डोर है वो मंदिर का ये है, यहाँ से एंट्री करते एंड अंदर कृष्ण भगवान, कृष्ण जी और राधा जी एंड राम जी एंड सीता जी की मूर्ति इस तरीके से बनाई हुई, एंड यहाँ चारों साइड मंदिर के
दीवारों पे ना इस तरीके से जो कृष्ण भगवान की छोटी छोटी मूर्ति हैं, जो हर एक में कृष्ण भगवान के जो एक जीवन की एक घटना है वो उसमें दिखाया हुआ है। हर एक छोटी छोटी घटना, कृष्ण भगवान, राधा जी, जो भी रास करना, बांसुरी बजाना, कालिया नाग को मारना, या जो भी है, हर एक चीज़। और नक्काशी इतनी सुंदर नक्काशी है, मतलब सच में इसको जो इंडिया का जो वर्ल्ड का जो हेरिटेज है उसमें 8th जो वंडर है वर्ल्ड का उसमें इसको लेके आना चाहिए। आप देख रहे हो ये मार्बल, वाइट मार्बल, इटालियन मार्बल से, एंड ये जो आप देख रहे हो इसको तो आपका दिल ऐसे भर आएगा देख के कि कृष्ण भगवान ने राधा रानी के चरणों को अपने हाथों में लिया हुआ है। मन भर जाएगा, मन प्रफुल्लित जो एक वर्ड होता है ना वैसा हो जाएगा। अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है गाइस डिस्क्राइब करने के लिए, इस तरीके से इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ मैंने आपको पूरा मंदिर दिखा दिए, चारों साइड मंदिर के जो है ना कृष्ण भगवान की अलग 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 झांकियाँ बनी हुई है यहाँ पे। और ये सबसे लास्ट के साइड में आता है जहाँ पे गोवर्धन पर्वत मैंने दिखाया, उसके बाजू में ये आता है जहाँ पे अलग अलग कृष्ण भगवान की ये भी झांकियाँ बनाई हुई है। एक झांकिया ये कृष्ण जी और राधा जी बैठे हैं बगीचे में, सखियाँ बैठी है, ये वाली एक झांकी है, साथ में चार झांकियाँ एक साथ बनी हुई है। एंड मैंने आपको शुरू में दिखाया कालिया नाग है, उसके बाद कृष्ण जी गैया चरा रहे हैं, फिर पहाड़ों पे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, फिर है ना आपको वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा, फिर कृष्ण जी जो रथ चला रहे हैं सारथी बन के वो वाला सीन है, फिर जो बाग में बैठे हैं, फिर गोवर्धन पर्वत है एक तरफ, एंड उसके बाद ये वाली झांकी है जहाँ पे कृष्ण भगवान जो पेड़ पे चढ़ के माखन चुरा रहे हैं। आप देख सकते हो माखन कृष्ण भगवान चुरा रहे हैं, एंड उसके ऊपर ये जो पिजन है ना ये रियोल में बैठे हुए थे वहाँ, ऐसा लग रहा था कि पिजन को पता है कि उनको कहाँ बैठना है, ये कबूतर वहाँ बैठे हुए थे। एंड ये जो कृष्ण भगवान जो माखन चुरा रहे थे ये वाला तो इतना रियल लग रहा था, ये देखो यही है जो बैठे थे, हमें लग रहा था कि ये भी बनाए हुए हैं बट ये रियल में बैठे हुए थे। एंड ये जो सरोवर, जो अगर आपको पता है कृष्ण भगवान के बारे में तो ये जो प्रेम सरोवर जो उन्होंने बनाया था राधा रानी जी के लिए, जो ऐसा है कि उनके एक आंसू गिरता है तो उससे आई थिंक ये सरोवर पूरा बन जाता है, तो वही ये सरोवर बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे कृष्ण भगवान का बाल रूप, यहाँ पे एक बाल रूप की झांकी है, तो इतनी सारी झांकियाँ है जो आपके मन को मोहित कर देगी। आप प्रेम मंदिर प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेम मंदिर जरूर लाइफ में एक टाइम जाए, एक बार जाए, मतलब जीवन सफल हो जाएगा अगर आपने प्रेम मंदिर देख लिया तो। सच में जो प्रेम मंदिर का नाम रखा गया है कि जो प्यार का मंदिर जो वो है वो सच में है, आपको सच में कृष्ण भगवान से प्यार हो जाएगा। एंड ये जो झूला जो है आप देख रहे हो ये झूला हिलता है, एंड ये जो कृष्ण भगवान की जो बाल रूप की जो ये फ़ोटो लगाई हुई थी इसको देख के तो ऐसे आँखें भर आई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरे मंदिर में मैं बस कृष्ण भगवान को निहार रही थी, उनके प्रेम में रंग गई थी। तो इस तरीके का खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर है, बस इसकी टाइमिंग्स है अलग अलग, तो प्लीज़ आप टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए जाए, अदरवाइज आपका मिस हो जाएगा। धूप सी आंखें चिलक रही थी, तो यहाँ मंदिर का एंड होने लगता है और यहीं पे आपको जो किताबें हैं या प्रसाद है दोनों मिल जाएगा और यहीं से आपको एग्जिट लेना है। तो वृंदावन आओ, और वृंदावन की मैं गारंटी कह रही हूँ अगर आप वृंदावन आओगे तो यहीं के होके रह जाओगे, और मन में बस राधे रानी को, कृष्ण भगवान को बसा लो, देखो आपके सारे काम कैसे झटपट पूरे हो जाते हैं। बस राधा रानी ही कृष्ण भगवान आपके मन में बस जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मन और आंखें दोनों भाव विभोर हो जाएंगी। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्जी। तो बोलो राधे राधे, सारे इस काम को सफल कर लो, मन में बसा लो, बस राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे।